पाकिस्तान सेना और आईएसआई ने बालाकोट में आतंक का कंट्रोल रूम दोबारा खोल दिया। खुफिया जानकारी के अनुसार इस आतंकी कंट्रोल रूम से ट्रेंड आतंकियों को मुजफ्फराबाद के रास्ते घुसपैठ के निर्देश दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के अफगानिस्तान में तैनात आतंकियों को धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की ओर शिफ्ट करने में लगा हुआ है। यूपी के जनपद एटा में डेंगू के डंक ने मौत का ऐसा तांडव मचाया है कि कसेटी गांव में मौत का मातमी सन्नाटा पसरा हुआ। डेंगू की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 7 दिनों में करीब 13 लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग डेंगू की बीमारी से ग्रसित हैं और आगरा, अलीगढ़, इटावा जैसे महानगरों के बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में आइटम को लेकर बवाल जारी है। दरअसल एक जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया था। अब इमरती देवी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह कमलनाथ की मां और बहन को आइटम कहते हुए नजर आ रही है। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन काफी अहम है। गुरुवार को भारतीय नेवी के INS कवरती मिलने जा रहा है और यह एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज है जो कि भारतीय नेवी में अहम भूमिका निभाएगा। विशाखापट्टनम में नेवल डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान इसे शामिल किया जाना है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब एक सीमित संख्या में लोग पंडाल के अंदर जा सकेंगे। कोर्ट के नए आदेश के अनुसार ढाके यानी कि ढोल बजाने वाले नो एंट्री जोन में पंडालों के बाहर ही ढोल बजा सकेंगे। इसके अलावा पंडाल के अंदर जाने वाले लोगों की फिक्स की गई लिस्ट अलग अलग दिन के हिसाब से तय की जाएगी, जिसे सुबह 8 बजे पंडाल के बाहर लगानी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान में एक हफ्ते का वक्त बचा है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी अपने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रही है। पटना में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जा रहा है जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य नेता मौजूद रहेंगे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर 4 महीने से ज्यादा हो चुके। एम्स रिपोर्ट ने वैसे तो तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया, लेकिन फिर भी एक्टर के फैन अभी भी CBI की रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं। कहने को तो मर्डर एंगल अब समाप्त हो चुका, लेकिन अभी भी सुशांत के परिवार को यह एक साजिश लगती है। वह नई फॉरेंसिक टीम गठन की मांग कर रही है। बहादुर विधानसभा से JDU की टिकट पर चुनाव लड़ रहे बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सैनी अपने लिए वोट मांगने दरभंगा के उघरा पंचायत पहुंचे थे, जहां लोगों ने उनके लिए वोट की अपील कर रहे थे। तभी ग्रामीणों ने अपनी अलग अलग समस्याएं मदन सैनी के सामने रखी। मदन सैनी ने चुनाव का हवाला देकर अपनी समस्याओं को जैसे ही टाला, लोग भड़क गए, उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा देख मदन सैनी वहां से निकल गए। एस्ट्रोजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में शामिल एक वॉलेंटियर की मौत हो गई। ब्राजील हेल्थ अथॉरिटी एनविशा ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है। हालांकि वॉलेंटियर की मौत के बावजूद वैक्सीन के ट्रायल रोके नहीं जाएंगे। चिकित्सा गोपनीयता की वजह से इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई। इमरान खान की हुकूमत से आजीज आई जनता सड़कों पर उतर आई है। सत्ता में आने से पहले इमरान ने चुनी हुई सरकार के खिलाफ जिस तरह से हथकंडे अपनाए थे, करीब 2 साल बाद वही दांवपेच आज उन्हें भारी पड़ रही है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान का कराची आज फिर दहल उठा। कराची में 2 दिनों में दूसरा धमाका हुआ। पाकिस्तान में सियासी भूचाल मचा हुआ है। इमरान चौतरफा गिरे हुए हैं। अभी तक की जानकारी यहीं तक। DNP इंडिया पर देखते रहिए नई वीडियोस और ताजा खबरें। सटीक जानकारी के साथ चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नमस्कार।